मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब हसनपुर में स्थित मूक सेना की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की तहसील हसनपुर में एक संगठन मूक सेना नाम से सक्रिय है, जिसके सभी सदस्य दलित वर्ग से आते हैं। 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर इस संगठन द्वारा 200 से अधिक घरों में बाबा साहब की जड़ी हुई प्रतिमा व कैंडल के पैकेट निःशुल्क बांटे गए। इस संगठन में सभी युवा शामिल हैं, जिसमें बड़ा वर्ग छात्रों का है, जो अपने जेब खर्च से पैसा एकत्र कर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। यह संगठन लगभग 2 साल से अमरोहा व आसपास के गांवों में गरीब पीड़ित व पिछड़े वर्ग तक शिक्षा को पहुंचा रहा है। बीते वर्ष 2017 में मूक सेना संगठन द्वारा बाबा साहब के जन्म दिवस पर अम्बेडकर जीवनी की किताबों को सैकड़ों घरों में वितरित किया गया था। साथ ही इस वर्ष की तरह बीते वर्ष भी कैंडल के पैकेट घर घर तक पहुंचाए गए थे, ताकि रात्रि में दीपोत्सव जैसा माहौल हो। यह गैर राजनीतिक युवा संगठन है, जिसके 100 से अधिक मेंबर्स हैं। ये सभी युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुप में भी सक्रिय रहते हैं। ये युवा बाबा साहब की जयंती को एक बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसका अंदाजा इनके 10 पाउंड के केक और आतिशबाजियों से लगाया जा सकता है। यह संगठन जमीनी स्तर पर कार्यरत है, जिसके आह्वान पर घर घर भीम गीत भी महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। संगठन के अध्यक्ष दिनेश कुमार बताते हैं कि पूरे वर्ष यह संगठन बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए अपने स्तर से कार्य करता रहता है, जिसमें निःशुल्क कोचिंग देने के अलावा छोटे बच्चों के लिए स्टेशनरी का इंतजाम भी किया जाता है। भविष्य में इस संगठन का उद्देश्य गरीब बहुजन बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना व हर बच्चे को स्कूल तक ले जाना है, जिसके लिए स्टेशनरी से लेकर आर्थिक रूप से भी मदद की जाएगी और निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था बड़े स्तर पर की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट फामिस मशहूर के साथ हसनपुर से करीम अंसारी की रिपोर्ट। पिछले लगभग 2 से 2.5 साल के बीच से ये संगठन हमारा मूक सेना नाम से चलाया गया है, और इसके बीच हमारा इस संगठन में किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना ही उनसे कोई लेना देना है। ये केवल हमारे युवा वर्ग के जो छात्र हैं, हमारे ही जैसे हैं, हमारी एजड हैं, तो हम लोग बस आपस में ही कलेक्शन करते हैं जो भी हमें करना है। और हम बाबा साहब की कुछ प्रतिमाएं हैं, पिछले वर्ष भी हमने कुछ बुक और प्रतिमाएं बाबा साहब की ऐसे ही मोहल्ले में और गरीब घरों में पहुंचाई थी। इस बार भी लगभग 220 के आसपास प्रतिमाएं हमने खरीदी हैं, क्योंकि कलेक्शन हमारे पास इतना नहीं हो पाता है, और कुछ मोमबत्तियां हैं। और हम लगातार कोशिश में रहते हैं कि जो हमारे छात्र हैं उनको हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा से लगातार जोड़े रखें। और इस बार शायद हमारे लोगों का पड़ाव जो है आ गए, तो हम ये सोच रहे हैं कि इसमें जो 2-4 बच्चे हैं, जो भी कुछ बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते हैं, तो उनको उनकी पढ़ाई का जिम्मा हमारा संगठन उठाए।